झाबुआ जिले के पटलावदा तहसील के एकमात्र बामनिया रेलवे स्टेशन पर रेलवे फाटक पर एक ट्रक ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल की इलाज के लिए बड़ौदा ले जाते वक्त गोधरा के समीप मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक रतलाम की तरफ से तेज गति से आ रहा था। रेलवे क्रॉसिंग पर रुका नहीं और क्रॉसिंग पर गेट खुलने का इंतजार कर रहे वाहन चालकों को रौंद डाला। दुर्घटना के बाद दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग भी बाधित हो गया। शुक्र है कि दुर्घटना के समय कोई ट्रेन नहीं गुजरी, नहीं तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद खाद खरीदने जा रहे किसान के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। 4 घंटे की मशक्कत के बाद मृतक के परिजन माने और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस फिर से चालू हुई। अमानिया से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। तो हमें जानकारी मिली है कि रेलवे ट्रैक से पहले एक बाइक खड़ी हुई थी, जिसमें ट्रक आके भिड़ गया, तो जिसकी वजह से हादसा हो गया। अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक घायल है। की मांग थी कि इनको इंश्योरेंस क्लेम है जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए, तत्काल सहायता प्रदान की जाए और शासकीय नौकरी दिलवाने की कोशिश की जाए, जिसमें प्रशासन जो भी पॉसिबल मदद है नियमानुसार हम करेंगे इनकी। ये मुझे इस चीज़ से अवगत कराया गया, तो ये खाद के लिए हम यहाँ पे बिल्कुल कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द ही यहाँ पे खाद वैसे उपलब्ध है। ये कैश पॉइंट चाह रहे हैं यहाँ पे, जो कैश के बेसिस पे जहाँ खाद मिलता है वो पॉइंट चाह रहे हैं। खाद तो ऑलरेडी उपलब्ध है यहाँ पर, वो हम कोशिश कर लेंगे। मैं नागटी लोगों को काफ़ी समय से मांग है यहाँ की ओवर ब्रिज की, और आए दिन यह घटना घटती रहती है। रेलवे प्रशासन आरओबी का प्रस्ताव ऑलरेडी पाइपलाइन में है, सरियान साहब से बात हुई हमारी, और राजशासन स्तर पे कुछ अप्रूवल के लिए गया हुआ है। जो हमारा ब्रिज पीडब्ल्यू को बनाना है उसमें, और दोनों साथ में होते हैं, तो रेलवे का प्रस्ताव बन चुका है, हमारे लेवल का प्रस्ताव शासन में गया हुआ है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा बात करके स्पीड अप करा लेंगे, जल्दी वहाँ से हो जाए और जल्दी इसको बन पाए। तो वो ऑलरेडी प्लान में है, लेकिन वो बस बनने का समय है, तो वो हम लोग जल्दी कोशिश कर लेंगे। मृतक के पीड़ित परिवार को क्या सहायता दी है, क्या आश्वासन दिया? अभी जो एक मृतक है वो संबल कार्ड धारित है, तो उनको संबल कार्ड का योजना का लाभ जो मिलता 4,000 रुपये वो दिलवाया जाएगा, उसके लिए हम लोग सारी कार्रवाइयाँ कर लेंगे। इसके अलावा जो इंश्योरेंस वाली राशि होती है जो एक्सीडेंट मिलती है, तो वो भी उनको दिलवाई जाएगी। ग्रामीणों का आरोप था कि ये खाद लेने खवासा जा रहे थे पास गाँव में, उससे ये दुर्घटना घटी। खाद के लिए बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये खाद की ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट डीलर भी है हमारे पास बामनिया में, तो हम लोग को जानकारी मिली है कि प्राइवेट वाले शायद नहीं मिल पा रहे थे, तो आज ही वहाँ से डबल जो रैक आया है उससे यहाँ पे खाद आ जाएगी, और प्राइवेट डीलर यहाँ पे है बामनिया ऑलरेडी, तो खाद वितरण कल से शुरू कर देंगे। कैश पॉइंट की मांग कर रहे हैं हम लोग, कैश पॉइंट प्राइवेट वाला कैश पॉइंट शुरू कर देंगे। अच्छा, कितने लोगों की मौत? 2 लोगों की मृत्यु है। लगातार जिले में हादसे हो रहे हैं, कहीं कहीं परिवहन विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है, चाहे मैडम इसमें बस हादसे हो रहे हैं, ओवर लोड ट्रक हो रहे हैं, क्षमता ज़्यादा यात्री बिठाए जा रहे हैं, बसों के बीच में होड़ होती है टाइमिंग को लेकर। अभी जो भी हादसे हुए उसमें किसी में भी एक्स्ट्रा ओवर लोड वाली ऐसी स्थिति, बहुत सारे यात्री बैठाए गए, तो उसमें भी पुरानी बस में भी कमी लोग थे, अब हादसे हो रहे हैं जरूर, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हादसे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी हादसे में ऐसी कोई या परमिट नहीं हो या ओवरलोड हो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है। ड्राइवरों की गलती या कुछ समस्याएं ऐसी आई हैं, और बाकी हम लोग जो ओवरलोडिंग है उसकी जांच के लिए हमने टीमें लगा रखी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते हैं खनिज से काफ़ी कुछ काम होता है, तो हमने जांच के लिए भी टीमें लगा रखी हैं, कहीं ओवरलोडिंग ना हो, सारी ट्रक वगैरह जो भी हैं परमिट चल रहे हैं उसके लिए भी जाँच हम लोग रेगुलर करवा रहे हैं। पिछले 4 घंटों से रेलवे बाधित है, कब तक शुरू हो पाएगा सुचारू रूप से? एक तो पटरी चालू हो गई है, दूसरी ट्रक के कारण अटकी हुई है, तो हम लोग कोशिश करें जल्दी जल्दी हट जाए ट्रक, तो दूसरी चालू हो। ठीक है।